मैसेल्फ दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरके कॉलेज ऑफ फार्मेसी नैनी प्रयागराज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एट सिनेप्स, मतलब कि मैकेनिज्म कैसे होता है हमारे नर्व इम्पल्स का सिनेप्स पे, उस वो कैसे वर्क करता है, मैसेज कैसे हमारे प्री सिनेप्टिक नोब से पोस्ट सिनेप्टिक नोब में जाता है, क्या क्या मैकेनिज्म होती हैं, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक पे हम रिवाइज करते हैं कि लास्ट टॉपिक में जब हम पढ़े थे सिनेप्स पढ़े थे, उसमें प्री सिनेप्टिक नोब पढ़े थे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पढ़े थे, सिनेप्टिक वेसिकल्स पढ़े थे, पोस्ट सिनेप्टिक नोब पढ़े थे, मेम्ब्रेन पढ़े थे, क्या है उसमें, उसमें मैसेज कैसे आता है, कहाँ जा रहा है, कौन ले जा रहा है, क्या होता है, हमने पढ़ लिया था सिनेप्स में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एट सिनेप्स, ठीक है। तो इसको फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा डायग्राम स्ट्रक्चर है आपके सिनेप्स का। इसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सब दिख रहा है स्टेट, और ये आपका सिनेप्स का पूरा स्ट्रक्चर है। तो फर्दर हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो इसको थोड़ा कंसनट्रेट होकर समझिएगा। पहला प्रोसेस है इसका एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये एक्शन पोटेंशियल इसलिए कर रहा है कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, पोलराइजेशन भी होता है, डीपोलराइजेशन भी होता है, रीपोलराइजेशन भी होता है। तो यहाँ से मतलब है कि जब कोई एक्शन जनरेट हो गया, मतलब इतना पोटेंशियल हो गया कि वो नर्व इम्पल्स एक्सेस करने के लिए तैयार है, आपके मैसेज को ले जाने के लिए तैयार है, तो ये मैसेज आपके एक्सॉन टर्मिनल से ट्रेवल करती हुई आपके सिनेप्टिक नोब में आएगी। अब ये सिनेप्टिक नोब कौन सा, ये है प्री सिनेप्टिक नोब, ठीक है। अब ये मैसेज तो आ गया यहाँ पे प्री सिनेप्टिक नोब में आ गया, तो जैसे ही ये प्री सिनेप्टिक नोब में आपका मैसेज आया, मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, वैसे ही ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये रीजन सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, तो मैसेज यहाँ आया तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से वैसे ही प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के यहाँ से वो कैल्शियम आयन एंटर कर जाता है आपके प्री सिनेप्टिक नोब में, ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट कंसंट्रेशन आयन ग्रेडियंट के हिसाब से ये मेम्ब्रेन कैल्शियम आयन को परमिट कर देती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आने के लिए या प्री सिनेप्टिक नोब में आने के लिए, ठीक है। अब ये कैल्शियम आयन करता क्या है, तो ये कैल्शियम आयन आपके जो ये वेसिकल्स हैं, तो कल हमने पढ़ा था सिनेप्टिक वेसिकल्स की बात की थी, सिनेप्टिक वेसिकल्स, तो सिनेप्टिक वेसिकल में कल हमने पढ़ा था कि सिनेप्टिक वेसिकल्स आपके न्यूरो ट्रांसमीटर को कंटेन किए होती हैं, उनको लिए हुए होती हैं, उनको कवर किए हुए होती हैं, ठीक है। तो जो ये वेसिकल देखिए यहाँ लिखा होगा न्यूरो ट्रांसमीटर फिल्ड वेसिकल्स, इसे ही हम सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। तब ये जो है कैल्शियम आयन इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को पुश करता है, या उनको पुश करता है कि आप सिनेप्टिक जो प्री सिनेप्टिक नोब है उसके सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ जाइए, ठीक है। अब यहाँ से कैल्शियम आयन तो एंटर कर गया प्री सिनेप्टिक नोब में, और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स को पुश कर रहा है कहाँ पे, कि आप जाइए सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ताकि वो ट्रांसफ़र कर सके। तो वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स जैसे ही प्री सिनेप्टिक नोब के इस मेम्ब्रेन पे आता है, वैसे ही रप्चर कर जाता है। ध्यान से सुनिए कि रप्चर कर जाता है, क्या रप्चर करता है, तो आपका सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर करता है, और यहाँ से बाय द मैकेनिज्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देता है, न्यूरोट्रांसमीटर आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेप में लिखा भी है सीए कैल्शियम आयन ट्रिगर्स रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वेसिकल्स, ठीक है। तो ये जो आपका है न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल रप्चर हो जाती है, और ये वेसिकल्स यहाँ से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है। तो प्री सिनेप्टिक नोब से वो कैल्शियम आयन अब आ गया है आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, क्योंकि हम लास्ट टर्म में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट सिनेप्टिक में होती है और पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है वो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन कंटेन किए हुए होती है, मतलब यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पे आपके न्यूरो ट्रांसमीटर आते हैं ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये यहाँ से एंटर करना चाहेंगे कहाँ पे, आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो जो यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर से बाइंड करते हैं। देखिए फोर्स में लिखा है न्यूरो ट्रांसमीटर
बाइंड्स टू द रिसेप्टर साइट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो अब ये लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन ही हैं आपके रिसेप्टर साइट, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग रिसेप्टर साइट फॉर द रिसेप्टर फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन होते हैं वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर साइट का काम करते हैं बाइंड होने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ बाइंड होंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, वो आपके रिसेप्टर साइट से बाइंड करेंगे प्रोटीन से। तो जैसे ही वो बाइंड करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंट आयंस ये चैनल्स की ओपनिंग हो जाती है। किसके चैनल्स की? तो जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रोटीन होते हैं और जो चैनल्स होते हैं जिसमें सोडियम आयन पोटेशियम आयन के जो चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट से उस चैनल्स के माध्यम से नेक्स्ट में एंटर कर जाता है और वो एक्शन जनरेट करता है। एक्शन जनरेट करता है किसके लिए? नेक्स्ट सेल को ट्रांसफ़र करने के लिए मैसेज। अब ये मैसेज जो है केमिकल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो सिक्स स्टेप आपका आएगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट थ्रू द नेक्स्ट सेल। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट से वाया द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आपके नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाता है और ये नेक्स्ट न्यूरॉन से फिर फर्दर प्रोसेस सेम प्रोसेस होती है नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा। इस तरह ये सारे मैसेजेस आपके केमिकली फॉर्म में होते हुए माइंड तक जाते हैं और सेम माइंड से सेम प्रोसेस होते हुए आपके इफेक्टर ऑर्गन या टारगेट सेल तक जाते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज फिर से कर लेते हैं। आपका मैकेनिज्म है ये, आप मैकेनिज्म और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एट सिनेप्स। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एट सिनेप्स। तो रिवाइज कर देते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल पे जैसे ही एक्शन पोटेंशियल रीच करता है, एक्शन पोटेंशियल रीच करता है वैसे ही आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट से ये कैल्शियम आयन चैनल कैल्शियम आयन एंटर करता है। अब कैल्शियम आयन एंटर करता है ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयंस। ठीक है, ये प्री सिनेप्टिक नोब में एंटर कर जाता है और यही कैल्शियम आयन रेस्पॉन्सिबल होता है आपके न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज कराने के लिए। जैसे ही कैल्शियम आयन एंटर किया यहाँ पे कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन का इंक्रीज होने लगता है इन द प्री सिनेप्टिक नोब और यही कैल्शियम आयन सिनेप्टिक वेसिकल्स को पुश करता है आपके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक आने के लिए। चूँकि सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं वही न्यूरोट्रांसमीटर को लिए हुए होती हैं तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स आपके सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुँचते ही उसको टच करते ही ये रप्चर कर जाती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देती हैं इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर ये सिनेप्टिक वेसिकल वापस अंदर चली जाती हैं सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक नोब में और फिर से न्यूरोट्रांसमीटर को अपने अंदर कैप्चर कर लेती हैं। ठीक है, तो अब ये न्यूरोट्रांसमीटर आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ चुका है। क्योंकि हम जानते हैं कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो हाईली लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन लिए होती है और ये प्रोटीन आपके रिसेप्टर साइट का भी काम करती है। ये रिसेप्टर साइट आपका न्यूरोट्रांसमीटर के लिए होता है। तो जैसे ही आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर आता है प्री सिनेप्टिक नोब से, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर साइट हैं उनसे ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर जाते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं तो ड्यू टू द डिफरेंट आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है चैनल्स की जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर को फर्दर नेक्स्ट वाले न्यूरॉन्स में ट्रांसफर एंटर करा देते हैं या मैसेज को ट्रांसफर कर देते हैं और वो एक्शन पोटेंशियल फिर यहाँ वो जनरेट हो जाता है और ये एक्शन पोटेंशियल सेम प्रोसेस करते हुए नेक्स्ट न्यूरॉन सिस्टम तक जाता है। ओके, ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहता है जिससे कि आपका टारगेट साइट से मैसेज माइंड तक जाएगा और माइंड से टारगेट साइट तक आपका मैसेज आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म पढ़ा सिनेप्स में, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पढ़ा सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक नोब से पोस्ट सिनेप्टिक नोब में जाने तक का और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होने का, बाइंड करने का, फिर फर्दर ये प्रोसेस आगे चलती रहती है। ये पूरा प्रोसेस आपका सिनेप्टिक नोब में होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में होता है
और आपके पूरे एग्जॉन टर्मिनल से दूसरे एग्जॉन टर्मिनल, या पूरे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, ऐसे ऐसे होते हैं। तो टारगेट साइट से अगर कोई मैसेज आता है तो माइंड तक सेम प्रोसेस में जाता है, फिर माइंड से कोई आपको रिवर्स टारगेट साइट तक जाना होता है। तो सारे मैकेनिज्म बार बार ये अप्लाई होते हैं और ये आपके बहुत ही कम सेकेंड्स में होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड्स में होते हैं। तो मैंने अभी बोला कि ये फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड में होते हैं, तो एक सिनेप्स कंप्लीट वन सिनेप्स का प्रोसेस 0.5 to 4 मिली सेकेंड्स का टाइम लेता है। रिपीट कर रहे हैं, एक सिनेप्स 0.5 to 4 मिली सेकेंड्स का टाइम लेता है, ठीक है। इस तरह आज हमने समझा मैकेनिज्म ऑफ नर्व ट्रांसमिशन या नर्व इम्पल्स एट सिनेप्स कैसे होता है, नर्वस सिस्टम में इसका पार्टिसिपेशन क्या है, फंक्शन क्या है और रोल क्या है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक आप आज या इसको आज तक के जितने भी टॉपिक्स आपको लेक्चर्स वीडियो लेक्चर दिए गए हैं इसको रिवाइज करिएगा, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी आप लिंक में दे दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, उस पर आप लाइक करके अपना जो भी कमेंट है वो दे दीजिएगा, इसका रिजॉल्व किया जाएगा, ओके, थैंक यू।